आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है हमारे पास न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन जो है ये डिस्कवर हुआ था 1938 में, और दो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम ऑटो हान और उनके साथ साथ स्ट्रॉसमैन थे, इन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इनका ख्याल ये था, इनका जो व्यू था वो ये था कि न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रॉन पार्टिकल है, इसे यूरेनियम के साथ बम्बार्डमेंट उन्होंने कराया और उन्होंने ये सोचा कि यूरेनियम का न्यूक्लियस इस न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और एज अ रिजल्ट जो है उनके पास एक आइसोटोप आ जाएगा, एक बहुत हैवी आइसोटोप आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इस न्यूट्रॉन ने जब इसे यूरेनियम के साथ बम्बार्ड कराया गया तो बजाय ये कि एक न्यू आइसोटोप बनता, इस न्यूट्रॉन ने इस यूरेनियम को दो इक्वल साइज के न्यूक्लियाई के अंदर स्प्लिट कर दिया। मतलब ये कि यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटा और टूटकर दो और तरह के एटम के न्यूक्लियस में तब्दील हो गया और ऐसे दो न्यूक्लियस आपके पास आए या ऐसे दो एटम्स आपके पास आए जिनके साइज ऑलमोस्ट इक्वल थे। एक जिसमें एक जो बना जिसका नाम था बेरियम और दूसरा जो था उसका नाम था क्रिप्टॉन। अब क्रिप्टॉन के बारे में हमें मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर 36 और एटॉमिक मास जो है वो 92 है। सिमिलरली बेरियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 56 और एटॉमिक मास 141 है। अब ये 141 बेरियम जो है इसके साथ साथ ही क्या हुआ कि तीन न्यूट्रॉन्स भी इस रिएक्शन के दौरान जो है एमिट हुए और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी एमिट हुई। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा ये न्यूक्लियर फिशन है। इसे अगर आप एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप यूँ लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन और साथ यूरेनियम आया जो कि 235 है, उन्होंने क्या किया आपके पास एक बेरियम बना दिया, एक क्रिप्टॉन आ गया, तीन आपके पास न्यूट्रॉन आ गए और साथ ही साथ एनर्जी इमिट होगी। न्यूट्रॉन के बारे में हमें मालूम है कि इसका जो चार्ज है वो जीरो है जबकि मास वन होता है, यानी कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। क्रिप्टॉन 36 और 92 और इसी तरह जो बेरियम है वो है 56 और 141। अब उन्होंने कहा कि ये हमारे पास जो है इस तरीके से रिएक्शन बन गया। अब इसी पूरे के पूरे प्रोसीजर के दौरान उन्होंने एक बात ये भी नोटिस की कि जो यूरेनियम है जिसका मास जो है वो 35 है, ये जो है ये यूरेनियम का मास है। बेसिकली इस यूरेनियम के मास को इस बेरियम के मास 141 और साथ साथ क्रिप्टॉन के मास जो कि 92 है इसके एडिशन के सम के इक्वल होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे भी 235 और यहाँ पर भी 235 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 235 था और यहाँ 233 था। उन्होंने इस बात को साबित किया कि ये जो यहाँ पे मास में कमी आ रही है ना, बेसिकली वो इसलिए आ रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिट हो जाती है। यहाँ पे वो चीज़ क्या कहना चाह रहे हैं, वो बेसिकली आइंस्टाइन की जो थ्योरी है ना जिसमें उसने ये कहा था कि E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, यानी कि मास और एनर्जी एक दूसरे में तब्दील होते हैं या किए जा सकते हैं या हो जाते हैं, उस चीज़ को प्रूव किया कि यहाँ पे जो मास में कमी आई है वो बेसिकली एनर्जी की फॉर्म में यहाँ से इमिट हो गई है। अब यहाँ पर ही बात नहीं ख़त्म हो जाती, न्यूट्रॉन सिर्फ एक ही यूरेनियम को बम्बार्ड करके दो से एटम में स्प्लिट नहीं करता, बल्कि जब एक दफ़ा ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, आप ये न्यूट्रॉन को जो है यूरेनियम के साथ बम्बार्ड करा देते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास दो सिर्फ एटम्स आए ना और उनके साथ साथ क्या हुआ, तीन न्यूट्रॉन्स आपके पास मज़ीद आए और साथ साथ एनर्जी आ गई। अब क्या होता है, ये जो न्यूट्रॉन है ना ये आगे मज़ीद एक और न्यूक्लियाई के साथ रिएक्शन करता है और इसके साथ साथ जब उसके साथ रिएक्शन करेगा तो दो मज़ीद न्यूक्लियाई बना देगा और उसके साथ ही साथ जो है तीन और न्यूट्रॉन एमिट कर देगा। इसी तरह ये वाला न्यूट्रॉन भी करेगा, आगे जाके मज़ीद एक एटम के साथ रिएक्शन करेगा जो कि यूरेनियम है फॉर एग्जांपल, कि यूरेनियम है तो मज़ीद दो एटम्स निकल गए और इसके साथ ही साथ जो है तीन और न्यूट्रॉन्स भी निकल गए। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है चलता चला जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये चेन रिएक्शन है। अगर ये चेन रिएक्शन जो है इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाए तो इतनी ज़्यादा इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इतनी ज़्यादा कि सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद एक ब्लास्ट के साथ फट जाती हैं और इस तरह से जो रिएक्शन होते हैं उन्हें हम लोग एटम बम वगैरह बनाने के लिए उनके कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है यूज़ करते हैं। अगर तो यूरेनियम के रिएक्शन पे कंट्रोल पा लिया जाए तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ऑब्टेन की जा सकती है, जिससे कि हमारी जितने भी एनर्जी के क्राइसिस हैं ना वो दूर हो जाएंगे। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, इस फिशन रिएक्शन में हमारे पास ना इसके ऊपर कंट्रोल नहीं पाया जाता, यानी कि हम ये जो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमसे इमिट हो रही है और ये जो रिएक्शन चलता चला जा रहा है इस पर हम लोग कंट्रोल नहीं पा सकते। लेकिन एक तरीका है जिससे हम लोग जो है इस पर कंट्रोल कर लेते हैं और उसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास कंट्रोल्ड रिएक्शन है। कंट्रोल्ड रिएक्शन में क्या आता है कि ये हमारा न्यूट्रॉन है। अब ये न्यूट्रॉन हमें मालूम है कि इसने यूरेनियम के साथ जो है रिएक्शन किया है, ये हमारे पास यूरेनियम आ गया।
अब यूरेनियम से हमें ये भी मालूम है कि हमारे पास जो है दो एटम्स बन गए, एक बेरियम बन गया और एक जो है वो क्रिप्टॉन बन गया। और साथ ही साथ हमें ये भी मालूम है कि हमें तीन जो है न्यूट्रॉन्स मज़ीद मिल गए और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी ऑब्टेन हुई। अब क्या होता है, जब हमें कंट्रोल रिएक्शन यूज़ करना होता है ना, तो हम यहाँ पर जो है कैडमियम या बोरॉन की बनी हुई स्लाइड्स यूज़ कर लेते हैं और उसके थ्रू इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाता है। ये हमारे पास जो है बेसिकली ये हमारे पास कंट्रोल रॉड होती हैं और यहाँ पे कंट्रोल रॉड के थ्रू जो है जो कि कैडमियम की हो सकती हैं या हमारे पास बोरॉन की हो जाती हैं, उससे जो है हम इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि इस न्यूट्रॉन ने आगे भी यूरेनियम के साथ रिएक्शन करना है और मज़ीद इस रिएक्शन को चलाते चले जाना है, लेकिन इसे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, जिसे हम लोग कंट्रोल रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल किया जा सकता है, वहाँ पर जो है हम लोग कंट्रोल रॉड यूज़ कर लेते हैं। और जो वो कंट्रोल रॉड है वो हमारे पास दो तरह की बनी होती है, एक कैडमियम की हो सकती है या बोरॉन की हो सकती है। अब इस न्यूक्लियर फिशन की जो है कुछ एप्लीकेशंस भी हैं और इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। सबसे पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं। इस न्यूक्लियर फिशन के अंदर जो न्यूट्रॉन जो है हमारा स्टार्टिंग में इस रिएक्शन को शुरू कराता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ये इस न्यूट्रॉन की जो है एनर्जी है, इस न्यूट्रॉन की जो है काइनेटिक एनर्जी है, जिसके साथ ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ आता है और बम्बार्डमेंट करता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास, हमें ये भी मालूम है, ये तो पहली कंडीशन होगी ना। और दूसरी कंडीशन ये है कि हम हमेशा यूरेनियम के, क्योंकि हमें आइसोटोप के बारे में भी पता है, यूरेनियम का हमेशा हम वही वाला आइसोटोप यूज़ करते हैं जिसका एटॉमिक मास जो है 235 है। इसकी भी एक रीज़न है, हम लोग यूरेनियम 238 को भी तो यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम न्यूक्लियर फिशन में इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसके पास एक न्यूट्रॉन होता है और ये बहुत ही स्लो फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी भी ऑब्टेन नहीं होती इस रिएक्शन से। इसलिए हम लोग जो है न्यूक्लियर फिशन के अंदर प्रेफर करते हैं कि हमारे पास वो वाला यूरेनियम यूज़ किया जाए जिसका एटॉमिक मास 235 है। इसके बाद इसकी दो एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अभी जैसे कि मैंने बात की थी कि हमारे पास कंट्रोल रिएक्शन भी होता है और अनकंट्रोल्ड भी होता है, यानी कि एक चेन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन ने यूरेनियम के साथ जो है बम्बार्डमेंट की और उस यूरेनियम के साथ जिसका एटॉमिक मास जो है 235 है। अब एक रिएक्शन तो ये है ना कि इसमें हमारे पास दो जो है न्यूक्लियाई बन गए और साथ ही साथ तीन जो है न्यूट्रॉन्स भी आ गए और बहुत ज़्यादा एनर्जी। अब अगर ये तीनों न्यूट्रॉन में से सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन अगले एक ही न्यूक्लियाई को जो है बम्बार्ड करे और उसमें से दो न्यूक्लियाई बना दे मज़ीद, और फिर तीन जो है आपके पास न्यूट्रॉन आए, लेकिन सिर्फ अगला एक ही न्यूट्रॉन जो है मज़ीद अगले न्यूक्लियाई के साथ शीट करे, मज़ीद उसको आगे बम्बार्डमेंट करके दो न्यूक्लियाई में शिफ्टेड करे, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास कंट्रोल्ड रिएक्शन है। जबकि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम के साथ जो है बम्बार्डमेंट करता है, लेकिन इस तरीके से रिएक्शन करता है कि दो न्यूक्लियाई में सेपरेट करने के साथ साथ तीन जो है आपके पास न्यूट्रॉन मज़ीद आते हैं और हर न्यूट्रॉन बाकायदा अलहदा अलहदा एक और न्यूक्लियाई को जो है बम्बार्डमेंट करता है और दो मज़ीद न्यूक्लियाई साथ ही साथ तीन मज़ीद न्यूट्रॉन बनाए। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसे आप कहते हैं कि ये आपके पास अनकंट्रोल है, क्योंकि इसमें हर न्यूट्रॉन जो है अगले मज़ीद न्यूक्लियाई को ब्रेक डाउन कर रहा है दो और न्यूक्लियाई के अंदर और साथ ही साथ मज़ीद तीन तीन न्यूट्रॉन जो है वो एमिट करता जा रहा है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है ना उसे हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास अनकंट्रोल्ड है। और ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जो है हम लोग एटम बम वगैरह की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, और इस तरह का जो कंट्रोल रिएक्शन है इसे हम लोग कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। तो इसकी दो एप्लीकेशंस हो गई कि कहाँ कहाँ पर ये जो है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जो है यूज़ किए जाते हैं, और जो न्यूट्रॉन आपके पास बेसिकली ये रिएक्शन स्टार्ट करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए कि आपका रिएक्शन जो कि न्यूक्लियर फिशन है स्टार्ट होगा या नहीं होगा। अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये भी बकायदा एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें आप कंट्रोल रॉड के जरिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अपने इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे के पूरे न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, जिसे न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। इस तरीके से आपके पास जो है जो ऑटोहॉन और स्ट्रॉसमैन था उसने ये प्रूव किया कि भाई उन्होंने मतलब ये डिस्कवर किया था कि एक न्यूट्रॉन किस तरीके से यूरेनियम की वो वाले आइसोटोप जो कि 235 है उसे स्प्लिट डाउन करता है दो इक्वल न्यूक्लियाई में, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन और मज़ीद प्रोसीजर चलता चला जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन हो जाती है। तो ये आपके पास न्यूक्लियर फिशन के बारे में था कि न्यूक्लियर फिशन जो है किस तरीके से होती है और इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरीके से अनकंट्रोल्ड फॉर्म में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है।